दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Xiaomi Redmi एंड Poco डिवाइस को iOS 17 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो iOS 17 में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड थर्ड पार्टी थीम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बताने वाला हूं, बस आप वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड बहुत ही अमेजिंग आपको यहां पे लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगी। देन आप देख सकते हो काफ़ी क्रिएटिव आपको वॉलपेपर्स भी देखने को मिलेंगे एंड कंप्लीट लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड सिस्टम UI को आप चेंज कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आज मैंने इस चैनल पे एक मिनिमल सेटअप अपलोड कर दिया है। कौन सा सेटअप है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये वाला सेटअप मैंने अपलोड कर दिया है एंड बहुत ही अमेजिंग सेटअप है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वीडियो तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, जाके वॉच कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो होम स्क्रीन की शुरुआत करते हैं। तो होम स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। पहले आप लॉक स्क्रीन देख लो, क्योंकि लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज करोगे कि सामने होम स्क्रीन ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉक स्क्रीन कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की विजिट देखने को मिलती है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपको iOS का कंट्रोल पैनल भी देखने को मिलता है। कंप्लीट यहाँ पे वर्क करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे वॉल्यूम बार को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे वर्क करता है। टॉर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टॉर्च ऑन हो जाती है। साथ ही कुछ और भी फीचर्स देखने को मिलता है, तो इनको आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख लेना। अब देखो आपको यहाँ पे विजिट देखने को मिलती है, देन इस विजिट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। बॉटम में आपको दो शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे जेस्चर बार देखने को मिलता है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करना आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो आपके सामने यहाँ पे 11 डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर देखने को मिलता है। अब देखो ये थीम बांग्लादेश की है, तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश वाले वॉलपेपर ही देखने को मिलते हैं। अब आपको सेकंड वॉलपेपर कुछ ऐसा देखने को मिलता है एंड थर्ड वॉलपेपर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बट आप यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर अप्लाई करके लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे करना है आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ये वॉलपेपर्स आपके सामने डे बाय डे ओपन होते जाएंगे। आप देखो विजिट को आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से कस्टमाइज कर सकते हो। कैलेंडर एंड विजिट की फॉन्ट को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साथ ही इमोजी का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना, देन कुछ इस टाइप का वॉलपेपर देखने को मिलेगा। विजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे ऑन हो जाएगी। डेप्थ ऑप्शन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब देखो आपको यहाँ पे बर्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही कुछ और भी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो इनको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। साथ ही फिंगर ऑप्शन आपको एक देखने को मिलता है, तो इसको आप ओपन कर लेना। अब देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है लाइव का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो आप क्लिक करोगे आप विजिट के कलर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे करके इसको लेफ्ट एंड राइट में कर लेना, विजिट का कलर चेंज हो जाएगा। साथ ही वॉलपेपर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना एंड आप देखो लॉक स्क्रीन को आप वापस ऑन करोगे, आपके सामने ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है इंसर्ट का एंड फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलता है फोल्डर का। अगर आपके पास जिप फोल्डर वाली फाइल है तो आप यहाँ पे ओपन कर लेना यानी अप्लाई कर लेना एंड उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है इंसर्ट का। आप देखो इसको आप कैसे ऐड करोगे वो आपको मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, आपको होम स्क्रीन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिलेगा। तो डायनेमिक आइलैंड कैसे वर्क करेगा, थीम को आप अप्लाई करना, थीम को अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी एक म्यूजिक प्लेयर ऑन करना है। ऑन करने के बाद कोई भी यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले कर देना। अब देखो यहाँ पे मैंने सॉन्ग प्ले किया, सॉन्ग प्ले करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करूंगा कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा एंड वापस से क्लिक करोगे आपके सामने ऑफ हो जाएगा। अब देखो आइकन्स की बात करते हैं तो आइकन्स आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे। कंप्लीट आइकन्स यहाँ पे चेंज देखने को मिलेंगे। अब देखो कंट्रोल पैनल की बात करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड न्यू आपको यहाँ पे टॉगल्स देखने को मिलता है। देखो नोटिफिकेशन सेंटर की बात करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड सिस्टम UI की बात करते हैं तो आप ऑन करोगे आपके सामने प्योर iOS वाला आपको यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। आप देखो अगर आपके स्मार्टफोन में MIUI डायलर है तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप का एंड काफी क्रिएटिव देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इस थीम को आप लाइट मोड एंड डार्क मोड दोनों में यूज कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं इस थीम को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाला नेम टाइप करना पड़ेगा, आप यहाँ पे नेम देख सकते हो। सेव के नाम से आपको ये वाली थीम देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे क्रिएटर का नेम देख सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस थीम को अप्लाई कर देना, कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब देखो थीम को मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाऊंगा। ऑप्शन में जाने के बाद लॉक स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एंटर पासवर्ड का, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में बांग्लादेश टाइप करना है। अब देखो काफी लोग क्या करेंगे, बांग्लादेश टाइप करके यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देंगे। अब देखो मैं आपको दिखा दूँ, स्पेस क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, देन लॉक स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। लॉक स्क्रीन के ऊपर
आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो फीचर्स देखने को मिलता है वो इनेबल नहीं होंगे। आप देखो मैं यहाँ पे बांग्लादेश वाले ऑप्शन के ऊपर वापस से क्लिक करता हूँ, देन स्पेस को यहाँ पे कट करता हूँ एंड ओके करने के बाद लॉक स्क्रीन को ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के फीचर्स आपको तभी देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये वाले फीचर्स यहाँ से रिमूव हो चुके थे एंड जैसे मैंने स्पेस को यहाँ पे कट किया यहाँ पे ऑप्शन वापस इनेबल हो जाता है, तो आप ट्राई कर लेना। एंड यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स देखने को मिलता है तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर लेना। तो बस फिलहाल वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।